शांति। आज 23 अगस्त 2022 दिन मंगलवार की साकार मुरली। आइए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों को। मीठे बच्चे, अब यह पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है, इसलिए इस घर अर्थात शरीर से ममत्व मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो। प्रश्न, देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? उत्तर, मेरे मन को शांति कैसे मिले, ये शब्द देही अभिमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते। देह अभिमान वाले ही यह शब्द बोलते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, मन के शांति की तो बात ही नहीं। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाए। आत्मा सो परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ नहीं सकते। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चे जानते हैं मरना किसको कहा जाता है? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उनको मरना कहा जाता है। यहाँ बच्चे जानते हैं हम जीते जी शरीर से अलग हैं और अपने परमपिता परमात्मा के साथ उनके धाम जाने वाले हैं। जो आत्माएं जा नहीं सकती हैं उनको योग से पवित्र बना रहे हैं। इसको कहा जाता है नॉलेज। रूह को नॉलेज मिलती है। यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा, जिसको सभी भगत याद करते हैं। आत्मा समझती है पतित पावन बाप मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला है। उनको तो अपना शरीर है नहीं, यह लोन लिया है। हमको भी यह छोड़ना है और जिसका घर है उनको भी छोड़ना है। वैसे तुम बच्चों का भी यह पुराना घर है, इनमें खिड़कियां आदि सब हैं, तो बाप कहते हैं बच्चे यह पुराना घर सबको छोड़ देना है, मेरे साथ घर चलना है, इसलिए जीते जी इस घर से ममत्व मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। यह तो बच्चे जानते हैं दो चीज़ें हैं, जीव और आत्मा। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं। आत्मा जानती है शरीर के कारण आत्मा को दुख होता है, इसलिए उनको छोड़ना चाहती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि अभी हम दुख धाम में हैं, यह शरीर भी पुराना है, बाबा ने समझाया है। यह अकाल तख्त है जो छोड़कर फिर दूसरा लेना होता है। तख्त के बदले घर कहना ठीक है। घर में खिड़कियां आदि होती हैं, इसलिए शरीर को घर कहा जाता है। तख्त के ऊपर राजाई की जाती है। इस समय तो दुख धाम है। हाँ, यह जरूर है, आत्मा को घर अर्थात नए शरीर में बैठ फिर सिंहासन पर बैठ जाना है, राजाई करनी है। दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं जिसको बाप से राजाई मिलती है। जब तक बाप ना आए तब तक बादशाही कैसे मिले? तुम जानते हो बाबा हमको शहनशाह बनाने आया हुआ है। जैसे राजाओं से महाराजाएं बड़े होते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाया जाता है। तुम्हारी आत्मा जानती है यह पुराना घर छोड़ना है। आत्मा को पहले सत्व प्रधान घर मिलता है। सत्व प्रधान गुणवान आत्मा है तो शरीर भी ऐसे ही सत्व प्रधान मिलता है। आत्मा समझती है कैसे हम आत्मा को घर मिलता है। ऊंच पवित्र आत्माओं को शरीर भी ऐसा ही मिलेगा। पावन बनेंगे तो पावन घर मिलेगा जरूर। जब पावन बनाने वाला आए तब तो हम पावन बने। खुद कहते हैं बच्चे तुम याद करते थे, अब मैं आया हूँ, कल्प कल्प इस शरीर में आकर यह यज्ञ रचता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है, इनको अडॉप्ट किया जाता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते तुमने बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीजों का संन्यास कर अपने को आत्मा निश्चय किया है। अभी जीते जी सब संबंध तोड़ने हैं। बाप कहते हैं तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं है। समझाया जाता है हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण व मनुष्य से देवता बनना व स्वर्ग की बादशाही पाना। यह भी समझाया है कि मनुष्य सृष्टि एक ही है जो चक्र लगाती है। इनको झाड़ भी कहते हैं। बड़ के झाड़ से भेंट की जाती है, उनकी आयु बहुत बड़ी होती है। यह झाड़ जब नया है
तब हम देवताएं ही रहते हैं। अभी तो पुराना हो गया, इसमें सब गरीब हैं, पाई पैसे का व्यापार करते हैं। अभी तुम बच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो, बाप से रत्न ले फिर औरों को देते हैं। अब तुम्हारी श्रेष्ठ हीरे जैसी बुद्धि बनती है, तुम्हारा व्यापार ही है ज्ञान रत्नों का। ज्ञान रत्नों के बाद फिर वह रत्न भी तुमको अथाह मिलते हैं। गाया हुआ भी है, सागर हीरे ज्वारों की थाली ले तुम्हारे आगे भेंट रखते हैं। तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वाले को जान गए हो। बरोबर हमारा परमपिता परमात्मा ज्ञान रत्नों का सागर है, जिसको रूप बसंत भी कहा जाता है। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती है। तुम्हारा धंधा ही यह है, तुम अमृत वेले उठ यह ज्ञान रत्नों का धंधा करो। प्रभात अच्छी होती है, कहते हैं राम नाम सिमर प्रभात मोरे मन। यह आत्माओं ने कहा है, मन बुद्धि आत्मा में है। मनुष्य देह अभिमान में रहते हैं तो कहते हैं मन मेरा शांत नहीं होता है, जैसे कि शरीर में मन है, परंतु आत्मा कहती है मेरे मन को बुद्धि को ज्ञान नहीं है, मुझे शांति चाहिए। वे अपने को आत्मा समझते नहीं है, शांत व अशांत आत्मा होती है। आत्मा कहती है मैं अशांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। देह अभिमान वाला कहेगा हमारे मन को शांति कैसे मिले, मन क्या है, वह भी समझते नहीं है। आत्मा को शांति मिलती है व आत्मा के मन को, पहले तो आत्मा को जानना पड़े। आत्मा का स्वधर्म शांत है। ये शरीर तुम्हारे ऑर्गन्स हैं, इनसे चाहे काम लो चाहे स्वधर्म में टिको। सन्यासी भी इस बात को नहीं जानते, वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। परंतु ताकत कैसे मिले जो शांति में रह सके, जब बाप को याद करें तब ही ताकत मिले। सिर्फ शांति से भी कोई फायदा नहीं, वह समझते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, हम आत्मा परमात्मा के लोक में चली जाएंगी और कुछ भी नहीं जानते। पुनर्जन्म को ही भूल जाते हैं, 84 जन्मों को भी भूल जाते हैं। बाप सम्मुख समझाते हैं, तुम समझते हो कि अभी हमें बाप के गले का हार बनना है। हम असुल उस बाप के गले का हार थे, अब नाटक पूरा होता है। नाटक में एक्टर खेलते भी रहते हैं और टाइम भी देखते रहते हैं। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी इतना टाइम है। टाइम पूरा हुआ, सब एक्टर आकर खड़े हो जाते हैं, फिर ड्रेस बदली कर घर चले जाते हैं। हूबहू तुम्हारा भी ऐसे ही पार्ट है, बाप आया है लेने लिए, यह प्रश्न ही नहीं उठता आत्माएं वहां होंगी व नहीं। हमारा काम है वर्षा लेना, जरूर आत्माएं होंगी, तब तो आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं, अभी भी आती रहती हैं ना, तब तो बर्थ कंट्रोल आदि करते हैं। आत्माओं को वहां से स्टेज पर आना ही है, फिर बर्थ कंट्रोल क्या करेंगे, जो कुछ बची कुची आत्माएं हैं सब आएंगी, इसलिए तो वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होनी ही है। क्या तुम बच्चों को पता है, जो कुछ पिछाड़ी वाले रहे हुए होंगे वे आते जाएंगे, जैसे मच्छर देखो रात को आए और सुबह को देखो तो सब मरे हुए होंगे, परंतु उनका कोई हिसाब किताब थोड़ी ही है। यह जो बड़े बड़े साइंस दान हैं, वे कितना माथा मारते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। जैसे ज्ञान की ऊंचाई है तो माया भी कम नहीं है। देखो आसुरी मत पर क्या क्या बना रहे हैं, श्रीमत क्या कहती है और साइंस वाले क्या करते रहते हैं। सुख भी है तो इन चीजों से विनाश भी होना है। साइंस और साइलेंस, तुम सदैव बाप को याद करते रहते हो साइलेंस में, उनको फिर साइंस का कितना घमंड है। कितने एरोप्लेन बारूद आदि हैं, साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। कई कहते हैं मन जीते जगत जीत, परंतु माया जीते जगत जीत कह सकते हैं। आत्मा अशरीरी हो बाप के पास चली जाएगी, कहते हैं मन में संकल्प विकल्प ना आए, बाप कहते हैं यह तो जरूर आएंगे। माँ में कम याद करो, हम आत्मा अपने साइलेंस हो, मुक्ति धाम में जाती हैं, पियर घर जाती हैं, बुद्धि में यही रहता है। बाबा आया है हमको ले जाएंगे, गाइड बाबा ही है, कहते मेरे लाडले बच्चों मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। कोई ने भी घर का रास्ता नहीं देखा है, अगर एक ने देखा हो तो बहुत देख ले। मैं जाना भी सिखला में, यहाँ से मनुष्य तंग होकर कहते हैं जाएं, सतयुग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे।
सुख धाम को ही सब याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, मच्छरों के सदृश। वह सिर्फ कह देते हैं बोध की आत्मा निर्वाण धाम गई। अगर वह चला गया तो बाकी सब उनकी इतनी वंशावली कैसे जाएगी? कोई जा नहीं सकते, मैं तो जा सकता हूँ ना, मैं आता ही हूँ ले जाने के लिए। सतयुग में तो कितने थोड़े होते हैं, इस समय तो आत्माएं कितनी अथाह हैं, मच्छरों सदृश है ना। सबको ले जाना एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरे गले का हार बनने से फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे, गिरेंगे भी पहले। वह पुजारी बनते हैं तब रावण के गले का हार बनते हैं, आखिरीन यह हालत हो जाती है। तुम जानते हो हम आधा कल्प सुख में और आधा कल्प दुख में रहते हैं। रावण के गले का हार पहले पहले देवी देवता धर्म वाले बनते हैं, फिर और धर्म वाले आएंगे, वह भी रावण के गले का हार बनेंगे, अंत में सभी रावण के गले का हार बन जाते हैं। यह ड्रामा का खेल ऐसा बना हुआ है जो सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। पॉइंट्स तो बहुत मिलती है ना समझाने के लिए। नटशेल में कहा जाता है एक बाप को याद करो, पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते हैं और फिर गले का हार पहले पहले कौन बनते हैं, यह बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर, हम असल में अपने बाप के गले की माला हैं, फिर बाबा हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाते हैं, फिर रावण का राज्य होता है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है तुम जानते हो। नंबर वार स्कूल में सब सब्जेक्ट में 100 मार्क्स तो कोई नहीं लेते हैं, हाँ कोई एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स मिल सकती है। इसमें भी मार्क्स हैं। दैवी गुण धारण करना कितनी बड़ी सब्जेक्ट है, सारे चक्र का राज भी समझाना है। कोई में गुण कम है मुरली अच्छी चलाते हैं, नंबर वार तो होते ही है ना। जो पास होते हैं वह गले का हार बनते हैं। बाप तो परफेक्ट है, उन जैसा परफेक्ट कोई हो नहीं सकता। वह तो जन्म मरण में आता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में कितनी नई नई पॉइंट्स हैं जो और कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती है। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवानुवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। समझ में आता है भारत कितना अमीर था अभी गरीब है। प्राचीन भारत बड़ा साहूकार था, उनको पैराडाइज कहते हैं। घर में कोई अच्छे कुल के होते हैं गरीब बन जाते हैं तो उन पर तरस पड़ता है, कहेंगे बेचारा कितना गिर गया, फिर उनको चढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियन लोगों ने भारत के पैसे बहुत लिए हैं, उस धन से खुद साहूकार बने हैं। भारत गरीब हो गया है तो फिर मदद भी देंगे ना, लोन के हिसाब से मदद देते हैं। तुम जानते हो क्या हिसाब किताब है। कोई अच्छे हैं तो वह समझते हैं यह सब लेन देन का हिसाब खत्म होता है, परंतु प्रेरक कौन है ये कोई नहीं समझते। इन बातों को अभी तुम समझते हो। भारत रिलीजियस था तो कितनी माइट थी, सारे विश्व के मालिक थे। पहला धर्म देवी देवता है जो बाप स्थापन करते हैं। अब सबसे गिरा हुआ है तो जरूर उनको मदद करेंगे। जब लड़ाई शुरू होगी तो खुद लड़ते भी रहेंगे, मदद भी करते रहेंगे। अब भी देखो देते रहते हैं, नहीं तो भारत भूखा मर जाए। परंतु कभी ऐसे नहीं हुआ है, क्लेमिटीज भी आती रहेंगी। लड़ाई तब लगेगी जब पढ़ाई पूरी हो जाए, अभी तो पढ़ाई चल रही है ना, बाबा को पढ़ाना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अभी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, रूप बसंत बन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बाप के साथ वापिस घर जाना है इसलिए पवित्र बनना है। अशरीरी बन बाप की याद में रह, साइलेंस बल से साइंस पर विजय पानी है। वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण
अर्थात बी के विश्व कल्याण के जवाबदार हैं, तो आलस्य और अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है वह अथक होते हैं। वे अपने चेहरे और चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। स्लोगन, बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। ओम शांति।